डार्लिंग। ओह गुस्से में। वैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम सिर्फ जबानी शुक्रिया अदा कर सकते हो। वैसे किस बात पे शुक्रिया अदा कर रहे थे? तुम्हारी दुआओं की वजह से मुझे नई जिंदगी और डुगडुगी में जगह मिली है। मेरी दुआओं की वजह से नहीं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की वजह से तुम्हें जगह मिली है। अच्छा, लो मैं खामखा गलतफहमी में हो गया था। असफू गलतफहमी नहीं, खुशफहमी हुई थी तुम्हें। कैसे बीबी डाली? मैंने सोचा इस बार ईद थोड़ी धूम धाम से मनाई जाए। अच्छा अच्छा बीबी डाली, एक बात बताओ, तुमने ईद की शॉपिंग की? नहीं। चलो बीबी डाली, इस बार मैं तुम्हें ईद की शॉपिंग कराता हूँ। असफर रहमान, शॉपिंग के लिए ना पैसों की जरूरत होती है, और तुम एक नंबर के कंगाल नखट्टू नकम्मे इंसान हो, और तुम्हारे पास एक रुपया नहीं होता लाइफ में। अच्छा, मैं कंगाल निकट्टू हूँ। असफू माँ जी ईद की शॉपिंग के लिए पैसे देंगी ना तो शॉपिंग होगी। बेबी डार्लिंग, तुम हमेशा मुझे अंडरएस्टिमेट करती हो। यार असफू प्लीज, पिछले दो सालों से देख रही हूँ मैं तुम्हें। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें पैसे कितने चाहिए? असफू प्लीज, मेरा रोजा है, मेरा रोजा मत खराब करो। अरे तुम अमाउंट बताओ कितने चाहिए? 50,000। बस बस, बोलती बंद हो गई 50,000 का सुन के ना, बड़ी बातें करते हो। बेबी डार्लिंग, तुम अभी तक अपने शौहर को समझ नहीं सकी। असफू रहने दो, अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ मैं तुम्हें। ये लो 50,000, जाओ अच्छी तरीके से शॉपिंग करके आओ। ये नोट जाली तो नहीं है ना? हेलो एक्सक्यूज मी, तुम मुझे इतना घटिया समझती हो? असू देखो मुझे सच सच बता दो, तुमने फिर से तो कोई फ्रॉड नहीं किया ना? रमजान में ना मैं दो नंबर काम नहीं करता हूँ। लिसन प्लीज, सच सच बताओ कहाँ से आए हैं ये पैसे? बेबी डाली मैं जरा नहीं बता सकता, तुम आम खाओ गुठलियाँ ना गिनो। असू यार फिर भी बीवी को शोहर की हर एक्टिविटी का पता होना चाहिए ना? बेबी डालिंग शॉपिंग करो, लाइफ को एंजॉय करो, और इन पैसों से ना सिर्फ तुम अपने लिए शॉपिंग करना। ओके ठीक है। और हाँ वन थिंग मोर, अगर तुम्हें पैसों की और जरूरत पड़े तो मांग लेना, शर्माना नहीं, क्योंकि मियां और बीवी में बेतकल्लुकी नहीं होनी चाहिए। राइट, तुमने तो जेंडर चेंज कर दिया है इडियट। बीवी मैं हूँ, मियां तुम हो। सो व्हाट। तुम भी किसी जलजले से कम नहीं हो, रिएक्टर स्केल पर 8.9। हंसलिया दिल खोल के आप? हाँ मैंने ना टिड पर के हंसलिया। अब दिल खोल के रोने की भी तैयारी कर ली। माँ जी तो ठीक है ना? बात सुनिए। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं रोजे में हूँ, और कहते हैं रोजे में अगर गीबत सुनो ना तो कानों में पिघला हुआ सीसा डालते हैं जो सुन रहा होता है उसके। देखिए अशरफ, अल्लाह अल्लाह करके रमजान तो खैरियत से खत्म होने वाले हैं। हाँ रमजान तो खैर खैरियत से गुजर रहा है, रमजान के बाद ईद भी आती है। लो भी ये भी कोई बताने वाली बात है? शुक्रता ईद तो लाजमी आएगी ना। ईद की शॉपिंग भी तो लाजमी होती है या नहीं होती? हाँ होती है। तो लाइए 50,000 हमारे हाथ पे रखिए। शुक्रता तुमने मेरे सर पर टीटी भी नहीं रखी और कह रही हो निकाले 50,000 रुपया। मैं तुम्हें 50,000 रुपया कहाँ से दूंगा? आप कहीं से भी 50,000 पैदा कीजिए। लो पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस बात का, तो फिर मैं पैदा कहाँ से करूँ पैसे? हम नहीं जानते, 50,000 आपको देने पड़ेंगे। शुक्रता मैं एक कंगाल हड हराम नखट्टू, मैं 50,000 कहाँ से लाऊंगा? ये आपका मसला है, हमारा नहीं है। ये 50,000 का आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गया? इसलिए कि वट्टा सट्टा में यही होता है, जो इधर वही उधर, जो उधर वो इधर। 50,000 का वट्टे सट्टे से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक, इसलिए कि असफर ने बेबी को 50,000 दिए ईद की शॉपिंग के लिए। अच्छा मैं समझ गया, ये जो हरकत की है ना ये उस कटिया आदमी ने की है। हो सकता है कि उसने बेबी को ईद मुबारक वाले नोट दे दिए। अब आप हमारी वार्निंग कान खोल के सुन लीजिए। सुनाओ। अगर आज शाम अफ्तारी से पहले 50,000 आपने हमारी हथेली पे ना रखे तो क्या हमारा आपका बंधन खत्म। निकली अब यहाँ से। अच्छा मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। ये मैं निकल। तुमने क्या घटिया हरकत की है, घटिया इंसान। भाईजान रमजान का तो ख्याल करें आप। मैं रमजान ही का ख्याल कर रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ घटिया का है, मन 4-5 गालियां साथ और भी लगानी थी। मैंने कौन सी घटिया हरकत कर दी भाईजान? ये घटिया हरकत नहीं तो और क्या है, तुमने बेबी को शॉपिंग के लिए पूरे 50,000 रुपए दे दिए। हाँ दिए, बीवी को ईद की शॉपिंग कराना क्या एक घटिया हरकत है? हाँ है, वट्टा सट्टा में ऐसी हरकत घटिया हरकत होती है। अगर ये घटिया हरकत है तो मैं ऐसी हरकत बार बार करूंगा। यार अजफर, तेरी इस हरकत की वजह से ना मेरी जिंदगी मुश्किल में आ गई है। क्यों? तेरी बाजी ने ना मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया है। भाजन आप हुक्का पीते हैं? और मेरी मार्केट खराब हो गई है। हैं? आपकी मार्केट है और आप अपनी बीवी को 50,000 की शॉपिंग नहीं करा सकते? शेम भाई शेम। तुमसे तो मैं ना रोजे के बाद निपटूंगा। हट जा कहीं से, हट।
माँ जी 50,000 रुपए खुले हुए सचे हाथ से कटे, वरना मैं उंगली से फायर कर दूंगा। ठिशू उंगली हटा ना, तेरी उंगली तोड़ दूंगी। माँ जी उंगली तोड़ेंगी तो 1,00,000 रुपया इस पे खर्च हो जाना इलाज पे। ओए माँ जी आप में बड़ा जोर है, आप बाट हैं? मैं तो ना बाटू। माँ जी आपने मेरी उंगली तोड़ दी है, अब मैं आपके पैर कैसे दबाऊंगा? माँ जी वो ईद सर पे आ गई है ना, शगुफ्ता को अपनी शॉपिंग के लिए ना सिर्फ 50,000 रुपए चाहिए टूटे हुए। अरे बुत तेरा। माँ जी ईद की शॉपिंग तो फर्ज है ना। इस दफा ईद हम सादगी से मनाएंगे। माँ जी आप तो हर साल ईद सादगी से मनाती हैं। वजह भी तो होती है। माँ जी इस दफा तो कोई रिश्तेदारों में भी फौतगी नहीं ना हुई? फिर और पिंड में भी इत्तेफाक से कोई नहीं मरा। फिर ईद सादगी से मनाने की कोई वजह भी नहीं है, है? क्या वह बाले की मज मर गई है, इसलिए हम ईद सादगी से मनाएंगे। माँ जी बाले की मज मैंने मारी है। माँ जी मैंने अगर शगुफ्ता को 50,000 रुपए ना दिए शॉपिंग के लिए तो हमारा ना जन्म जन्म का बंधन टूट जाएगा। और चल फटाफट निकल, तुझे रोजा लग रहा है इसलिए फजूल किस्म की बातें कर रहा है। माँ जी आज तो टाइम ही नहीं पास। माँ जी आपको खेलना आता है लूडो? यहाँ जाके टीवी देख, अब मैं सोने लगी हूँ, निकल यहाँ से। टीवी देखो? ठीक है माँ जी, मैं टीवी देखूंगा। मैं हुण गया तो फिर मैं उठे बैठ के बहुत देर तक आपके रोजा कुशाई हमारी, हम खुद आपके घर आएंगे और बच्चों की रोजा कुशाई बनाएंगे और उनमें इनामात भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और सबसे पहले रब्ता करने वाले को 1,00,000 कैश इनाम भी दिया जाएगा। सलाम। यतीम सर वालिद साहब इंतकाल कर चुके हैं। और यतीम तो मैं भी हूँ, मेरे भी वालिद साहब का इंतकाल हो गया। फितराना ज़कात खैरात रमजान है सर। ओए तुम्हारा रोजा है? जी जी। ओए तुम्हारी रोजा कुशाई हुई है? रोजा कुशाई क्या होती है? ओए रोजा कुशाई तो रोजा कुशाई होती है ना। नहीं हुई जी, आपकी हुई है? रोजा कुशाई तो खैर मेरी। ओए तो अंदर आ, मैं तेरी रोजा कुशाई कराऊंगा। क्या कराएंगे? रोजा कुशाई, तुम्हारे गले में फूलों के हार होंगे और तुम्हें बहुत सारे तोहफे मिलेंगे। फितराना ज़कात मिलेगा? हाँ, फितरा ज़कात भी मिलेगा। चलो ठीक है जी, फिर मैं रोजा कुशाई के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड, शाबाश, आजा इधर आ, ये इधर आ। अशरफ ये कौन है? शगुफ्ता बेगम, लगता है रोजे की वजह से ना तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है। ये एक प्यारा सा फूल सा बच्चा है। वो तो हम जानते हैं अशरफ, बच्चे फूल जैसे ही होते हैं। कुछ बच्चे गोभी के फूल जैसे भी होते हैं। तुम भी तो किसी का बच्चा हो ना। इस वक्त हम इस बच्चे की बात कर रहे हैं। शगुफ्ता बेगम आज शाम अफतारी तक ना मैं और तुम इसके माँ बाप हैं। और इफ्तारी के बाद? अफतारी के बाद ये बच्चा अपने माँ बाप के बच्चा हो जाएगा। नहीं अशरफ, आप फौरन इस बच्चे को इसके वालदैन के पास छोड़ के आइए। शगुफ्ता इसके माँ बाप नहीं है, ये एक यतीम बच्चा है। यतीम का मतलब जानती हो ना? अशरफ यतीम तो आप भी हैं, यतीम हम भी हैं, लेकिन आप इस बच्चे को फौरन इसके घर छोड़ के आइए। नहीं शगुफ्ता नहीं, अभी तो इस बच्चे की ना रोजा कुशाई बड़ी धूमधाम से हमने करनी है। हम कह रहे हैं ना इस बच्चे को घर छोड़ के आइए। ना शगुफ्ता ना, मैंने तो इस बच्चे का घर भी नहीं देखा हुआ, और वैसे भी तो मैंने ना तुम्हें ईद की शॉपिंग नहीं करानी। 50,000 है? हम समझे नहीं। मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक्सक्यूज मी। अच्छा तो ये बात है। हाँ बात सुनो, तू इतनी रही है जरा, हम दोनों ना 50-50 कर लेंगे। ओह
अच्छा तो ये बात है। अब चूंकि तुम 50-50 की पार्टनर हो इसलिए ना तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। बस ठीक है, लेकिन अशरफ आप हमें 50,000 रुपए जो देंगे ना वो ईद की शॉपिंग के अलग से होंगे, वो इसमें शामिल नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, अब बताइए कि हमें करना क्या हो। शुफ्ता तुमने ना बस अफतारी तक ना इसको अपना सगा बच्चा समझना। ठीक है, अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ। अरे वाह अशरफ, आप तो बड़े सियाने हो गए। मैं सियाना हो गया ना, इसी खुशी में तुम ना मुझे अपना मोबाइल दो। बल्कि सुनो, तुम ना मोबाइल लेके ना लॉन में आ जाओ, लॉन में। तू बेटा चोकला फोन, चोकला ओ चोकला फोन, और किसे कहना चोकली जल्दी में मेरा फोन चोकला। शगुफ्ता वो तो फोन ही नहीं चोक रहे हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला, हमारे साथ कॉल पे कौन मौजूद है? मैं एक बाप बोल रहा हूँ, बाप नहीं मजबूर बाप, नहीं बाप, अपने सगे पुत्र का बाप। आज ना डॉक्टर साहब मेरे सगे पुत्र ने रोजा रखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अब हमारे प्रोग्राम की वजह से बच्चा बच्चा रोजा रख रहा है। हमारे बच्चे ने ना रोजा कुशाई के लिए रोजा रखा है डॉक्टर साहब। सुभान अल्लाह, ये तो और भी अच्छी बात। डॉक्टर भाई आप मेरे बच्चे को 1,00,000 रुपया ना हमें देंगे ना? अरे हजरत ये कोई मैं अपनी जेब से थोड़ी देता हूँ, ये तो दीगर कंपनीज हमें स्पॉन्सर करती है और वो मैं आवाम में लौटा देता हूँ। वेरी गुड डॉक्टर साहब, आप अपने बच्चे का नाम लिखवाइए। नाम? डॉक्टर साहब नाम का तो खैर मुझे पता नहीं, मैं अपनी बेगम से पूछ के बताता हूँ। अरे हजरत हद करते हैं आप, आपको अपने सगे बच्चे का नाम याद नहीं? डॉक्टर साहब आप मेरी बात समझे नहीं, ये जो मेरा सगा पुत्र है ना ये बड़ा लाडला और अनोखा है, इसको हर बंदा ना अलग अलग नाम से पुकारता है। ओ अच्छा, तो ये बात है। डॉक्टर साहब मेरी जो माँ जी है ना वो मेरे सगे पुत्र को ना प्यार से नुसरत कहती है, और जो उनकी चचेरी बहन की नंदोई की बेटी है ना वो इसको प्यार से गुड्डू कहती है। आप अपने बच्चे का शनाख्त कार्ड वाला नाम बताइए। मैं अपनी बीवी से पूछ के बताता हूँ। प्यारे बेटे माफ करना शुक्रता, इससे जरा पूछो इसका शनाख्ती कार्ड पे क्या नाम लिखा हुआ है। बेटे आप हमें बताइए आपका शनाख्ती कार्ड पे क्या नाम लिखा हुआ है। मेरा तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना। डॉक्टर साहब इस बच्चे का तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना हुआ। अच्छा तो ये बात है, तो फिर स्कूल में जो नाम लिखवाया वो बताइए। हाँ ये ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पूछ के बताता हूँ, एक मिनट होल्ड करें। शगुफ्ता जरा इससे पूछना इसका स्कूल में क्या नाम लिखाया हुआ है। बेटे आप हमें ये भी बताइए कि आपका स्कूल में क्या नाम लिखा हुआ है। मैं तो स्कूल ही नहीं जाता। डॉक्टर साहब अभी तो हमने स्कूल में उसका नाम ही नहीं लिखवाया कोई भी। क्यों? डॉक्टर साहब ये ना है बड़ा ही लाडला बच्चा है। डॉक्टर साहब आप इसका कोई भी फर्जी नाम रख लें, और वैसे भी आपको रोजाकशाही के लिए बच्चा चाहिए कि नाम। तो फिर ठीक है, बच्चे का नाम मैंने गालिब रखा है। गालिब तो देखी होगी ना आपने। हाँ डॉक्टर साहब बड़ा ही प्यारा नाम रखा है आपने। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप हमें रोजा कुशाई के पैसे देने किस वक्त आएंगे? समझिए कि मैं अपनी टीम के साथ थोड़ी देर में आपके पास पहुंच। यार असफू ये बच्चा है या रोने की मशीन? यार रोने की मशीन, तुम प्लीज इसे चुप कराओ। भाई चुप हो जा, तुझे खुदा का वास्ते चुप हो जा, रमजान का वास्ते दे तो चुप हो जा यार। असफू ऐसे बच्चों को चुप कराया जाता है? अरे ओ गालिब साहब रोने के दरमियान कभी कभी सांस भी ले लेते हैं। ले तो रहा हूं। असफू कहीं इसके कान में दर्द तो नहीं हो रहा? गालिब साहब आपके कान में तो नहीं दर्द हो रहा? नहीं। तो क्या आपको पेट में दर्द हो रहा है? भूख से पेट में दर्द हो रहा है। असफू उठो जल्दी से इसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। बेबी डार्लिंग इस वक्त खाने की चीज कहाँ से मिलेगी? जहन्नुम से। नहीं नहीं वो कैंट स्टेशन पे भी मिल जाएगी। अच्छा प्लीज आप रोना बंद करो, बताओ आपने क्या खाना है? बिरयानी। असफू प्लीज उठो यार जल्दी से इसके लिए बिरयानी ले आओ। बेबी डार्लिंग मेरा रोजा है। असफू मैं तुम्हारे लिए नहीं इस बच्चे के लिए मंगवा रही हूँ यार। रात हो जाएगी लाते लाते बिरयानी कैंट स्टेशन से। ठीक है समोसे ले आओ, पकौड़े कुछ तो ले आओ इसके लिए। 4 बजे के बाद मिलेंगे समोसे। असफू कहीं से बिस्किट ले आओ। बेबी डार्लिंग बिस्किट तो तुम्हारे पर्स में भी होते हैं। चंड मारनी चंड। क्या किया आपने भाईजान? इस बच्चे का रोजा है बेबी, और इसकी रोजा कुशाई के लिए ना डॉक्टर साहब पूरी टीम के साथ आ रहे हैं। भाईजान भूख की वजह से इस बेचारे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। अब्बा मुझे अब्बा के पास जाना है। बेटा तेरे मैं मुझे तेरा अब्बा हूँ ना? नहीं मुझे अपने अब्बा के पास जाना है। अच्छा चल ठीक है आ जाओ मेरा पुत्र आ जाओ आ जा। किसका बच्चा उठा लाया तू? मैं ये इंसान का बच्चा है। वो तो मुझे भी देख रहा है कि इंसान का बच्चा है।
पर मैं इसके माँ बाप का पूछ रही हूँ तुझे। माँ जी आज अफ्तार तक तो इसका अब्बा मैं ही हूँ। फिटे मुँह तेरा। और शाम तक शगुफ्ता इसकी माँ है। फिर फिटे मुँह तेरा। आप इसकी दादी है माँ जी। फिटे मुँह तेरा। अगेन फिटे मुँह। आर यू सीरियस मॉम? फौरन इसको इसके माँ बाप के पास छोड़ के आ। माँ जी आप एक समाज दुश्मन खातून है, उसका माँ बाप की याद दिला के बच्चे को खामखा रुला दिया। अब्बा मुझे अब्बा के पास जाना है। बेटा ए पुत्र है, ए मैं ही तेरा अब्बा हूँ। मैं हैरान हूँ कि ऐसा अब्बा तुम्हें कहाँ से लबा? मेरी इजाजत के बगैर ये बच्चा किधर से आया? नहीं मैं ना इसके दरवाजे से ले आया हूँ। फौरन इसे बात छोड़ क्या? माँ जी आप तो बना बनाया खेल बर्बाद करने के मूड में है। आहा बिस्मिल्लाह। अरे आप तो हटिए। नहीं। अरे अरे ना बेटा ना, इतना गुस्सा नहीं करते, हम आपकी माँ जी है बेटा। तुम मेरी माँ नहीं हो अब्बा। मेरा पुत्र मैं तेरे पास ही तो हूँ। मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, 5 मिनट में इस बच्चे को ना इसके बाप के पास छोड़ के आ। माँ जी ये बेचारा यतीम बच्चा है। माँ जी अब्बा इसे फौरन छोड़ के आ। सिर्फ 2 घंटे और फिर क्या? फिर अफ्तारी माँ जी, और अफ्तार से पहले हमारा काम भी हो जाएगा। चलिए अशरफ आप हमारे बेटे को अच्छा सा नहलाइए, हम इसके लिए प्यारे से कपड़े निकालते हैं। ठीक है ठीक है। मैं तो मैंने अभी नहीं नहीं कराऊंगा। माँ जी जादू हो जाएगा, मैं इसको सफेद साबुन से नहलाऊंगा, थोड़ी देर के बाद वो साबुन तंबू धोने वाला साबुन बन जाएगा। चला। आ मेरा बेटा आ जा। इतनी देर हर दो गई है। जनाब बड़ा इंतजार कराया आपने। वो इंतजार तो आपने भी बहुत कराया है। आप बच्चे के लिए आए हैं ना जी? डॉक्टर साहब नहीं नजर आ रहे? आप जल्दी से बच्चा मेरे हवाले करें। पहले आप 1 लाख रुपए के साथ ना डॉक्टर साहब को पेश करें। और बच्चा किधर है? सरहाने बच्चे के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है, बच्चे के पेट में बड़ा शदीद दर्द हो रहा है भूख की वजह से। मलिक साहब एंट्री दें। मेरा बच्चा इनके पास है। ये तो खुला खुला तजाद है, आपने तो डॉक्टर साहब को लाना था, ये मलिक साहब को कहाँ से ले आए? ये भी बहुत पहुँचे हुए डॉक्टर हैं। जल्दी से बच्चा हमारे हवाले करो। माँ जी रौला पै गया। माँ जी रौला पै गया। माँ जी सलाम बाजी, आप तो बड़ साहब की बाजी है ना? हाँ, पर तू यहाँ क्यों आए है? वो बाजी मुझसे गलती हो गई, मुझे तो इस आदमी ने बताया था कि आपने इसका बच्चा लुकाया हुआ है। और लुकाया हुआ नहीं है, मेरे बच्चे को किडनैप किया इन लोगों ने। फिर मुझ तेरा, मैं तेनू कह रही थी कि वापस कर बच्चे नू। ओ तो इसका मतलब है कि बच्चा आप ही लोगों के पास है? बच्चा ना महफूज हाथों में है, हमने ना उसकी रोजा कुशाई भी रखी हुई है, टीवी वाले भी आएंगे। किसी के बच्चे को घर में रखना गैर कानूनी होता है, पता नहीं है? अब आप हमें कानून सिखाएंगे? यार आप बच्चा बरामद कराएं इनसे। अखरो जा जरा, बच्चा मैं खुद वापस करूंगी। शगुफ्ता जी। जी माँ जी क्या हुआ? इनका बच्चा, इनको वापस करो। अब्बा। अब्बा ये तो शगुफ्ता कह रहा था मैं यतीम हूँ। और बच्चा बच्चा होता है, बच्चे को क्या मालूम यतीम क्या होता है? मैं तो कहता हूँ ये यतीम हो ही जाए ताकि इसको पता तो चल जाए यतीम क्या होता है। तुझे तेरा बच्चा तो मिल गया ना? हाँ जी। एक मिनट ये बच्चा हमें अफ्तारी तक ना उधार चाहिए। क्यों? हमने इसकी रोजा कुशाई करानी है ना। फिलहाल तो आप चले हमारे साथ आने। क्यों? वहाँ आपकी रोजा कुशाई होगी। माँ जी है जी।